सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघे फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। ए भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे सा लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघिया। सबके लिए है कंघिया, कंघिया ही कंघिया। अरे सबके लिए है कंघिया, कंघिया हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियां हैं। सबके लिए कंघियां। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियां कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियां। सबके लिए है कंघियां। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है, उसके पास अलग अलग तरह की कंघियां हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियां। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम देखो, मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है, अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। खास चीज खरीदूंगा, टैटू। ये किसका टैटू है? एक बुरा, बहुत बुरा जीनी है ये। बुरा है? फिर तो इसे लगाकर मेरा रौब और बढ़ जाएगा। तुम मेरे टैटू हो? मैं तुम्हारा टैटू नहीं, एक टैटू जीनी हूँ। लैंप और बॉटल में रह रहकर बोर हो गया था, इसीलिए अब टैटू बनकर घूम लेता हूँ। वाह, ये तो मजा ही आ गया। पहले मुझे भीम से बेहतर बना दो, फिर मेरे झोपड़े को महल बना दो। मैं ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला जीनी हूँ। अब तुम जाओ और मेरे लिए नींबू पानी बनाओ फटाफट। मैं भी ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला कालिया हूँ। हम सब नदी पर खेलने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो कालिया, और साथ में साबुन भी ले लो। साबुन क्यों? ज्यादा साफ सफाई के लिए। हाँ, मुझे पानी से डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। चुटकी, दो चार लड्डू तो देना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, खारिश करने दो, खारिश। जीनी से पंगा,
खतरनाक। भीम, ये लो। ओ, ओ, राजू को तो देखो। क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। चुटकी 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 चुटकी।